फिजिक्स वाला क्लास फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा टॉपिक एक है, छोटा सा है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक, विद्युत द्विध्रुव। इसको लिखने के लिए यदि आप चाहेंगे तो फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो फिजिक्स में सब कुछ दिया गया है ना। एक बार इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर बता रहे हैं, डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसको आप पा जाएंगे, ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम में जाएंगे तो। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, यही दो आवेश हैं, दो आवेशों का निकाय होता है जो बराबर और विजाती होते हैं। दो आवेश हों और दोनों बराबर और विजाती हों, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक पाँच है एक दूसरा भी माइनस पाँच होगा, यानी मान बराबर रहे और विजाती रहे, ठीक है ना। यदि एक धन में है तो दूसरा ऋण में रहेगा, लेकिन मान दोनों का क्या होता है बराबर। तो दो बराबर और विजाती आवेश यदि एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर होते हैं, बहुत कम से कम दूरी पर, तो निकाय को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है ना। दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू हो गया, एक प्लस क्यू आवेश हो गया, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की जो दूरी होती है उसको 2a से प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की दूरी को 2a बोलते हैं, लिखा जाता है। दोनों के बीच की दूरी जो होती है 2a या 2l भी किसी किसी बुक में लिखा होता है, इसको द्विध्रुव अक्ष भी बोलते हैं। द्विध्रुव की लंबाई 2a, ठीक है ना। अब तो ये विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय, दोनों बराबर और विजाती होंगे, बहुत अल्प दूरी पर होंगे, ठीक है ना। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार बिंदु आकार या शून्य आकार का होता है, शून्य होता है, बिंदु आकार के या शून्य होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है कि इन दो आवेशों में से किसी को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, जनरली लेफ्ट में माइनस लिखा जाता है संख्या रेखा में आप देखते थे, इसलिए यहाँ माइनस लिख दे, इधर प्लस लिख दे, वैसे जरूरी नहीं आप प्लस इधर लिखने में आए तो गलत होगा नहीं, पर जनरली माइनस लेफ्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये विद्युत द्विध्रुव हुआ, और इस विद्युत द्विध्रुव में से आवेश का कोई एक आवेश ले लो, चाहे इनमें से किसी एक को, और कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसका गुणा किया जाए तो इसको बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कहा जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दो तो द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, पीछे प्रदर्शित करते हैं। कोई एक आवेश में चाहे इसको ले लो चाहे इसको, परिमाण में लेना है, माइनस में नहीं लेना है ना। तो इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सदिश राशि होती है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, और दिशा इसकी क्या होती है, ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ है ना। और इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना, कूलाम मीटर। तो दो आवेशों का निकाय जो बराबर और विजाती होते हैं, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a से प्रदर्शित किया जाता है, इस लाइन को द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। और कोई एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दो तो उसको द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है ना, सी इंटू एम से कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर मत पढ़ना, सेंटीमीटर में स्मॉल सी रहता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। तो इतना, तो ये विद्युत द्विध्रुव, इसके डिटेल के लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब कुछ है इसके बारे में, और डिटेल में है ना, इसके कारण तीव्रता के लिए भी है, ठीक, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।